लॉ की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लेना अब और ज्यादा कठिन हो गया है। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की ओर से होने वाली कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कि क्लैट का पैटर्न अब बदल गया है। अब छात्रों को इस परीक्षा को पास करने के लिए संबंधित विषयों पर ज्यादा तैयारी करनी होगी। इस बार यह परीक्षा 10 मई को आयोजित की जा रही है जिसकी तैयारियां भी लगभग तय हो चुकी हैं। लॉ कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए आयोजित होने वाली यह परीक्षा में ऐसा परिवर्तन पहली बार किया गया है। अब छात्रों और छात्राओं को सारे जवाब पैसेज पढ़कर देने होंगे। परीक्षा में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, लीगल स्टडीज और जीके के सवाल पैसेज में होंगे और पैसेज पर ही आधारित होंगे। साथ ही परीक्षा से जुड़े हुए जानकारों का कहना है कि पैसेज पढ़कर छात्र तभी सवालों के जवाब दे पाएंगे जब उनकी सभी विषयों में ठोस तैयारी होगी। करियर लॉन्चर के निदेशक नीरज प्रसाद ने बताया है कि क्लैट की परीक्षा 10 मई को होनी है और परीक्षा में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। छात्र और छात्राओं को अब 200 के बजाय 150 सवालों के जवाब देने होंगे। हालांकि सवालों की संख्या कम हो जाने से छात्रों को राहत जरूर मिली है। आपको बता दें कि क्लैट के एग्जाम में शहर से हर साल 600 से 1000 छात्र और छात्राएं शामिल होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे।